श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा कांग्रेस नीति गठबंधन के नेता द्वारा सनातन धर्म के अपमान का विरोध प्रकट करते हुए पुतला दहन किया गया। समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी यहां पर शामिल रहे। बता दें कि संपूर्ण मानव जाति और विश्व कल्याण की कल्पना करने वाले सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का विरोध लगातार देखा जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। आज पूरे देश में जिस तरीके का बयान तमिलनाडु के एक मंत्री द्वारा दिया गया, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र भी हैं, उन्होंने एक सभा में इस चीज का उल्लेख किया कि सनातन धर्म एक डेंगू की तरह है, एक मलेरिया की तरह है, और आज पूरे देश में इस तरीके का वातावरण बनाने का कुछ जो देशद्रोही ताकतें हैं, और देशद्रोही ताकतों के साथ हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं, वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पर मैं उनको बताना चाहूँगा, आज सनातन धर्म में आस्था रखने वाले पूरे देश के अंदर 80% से ज़्यादा लोग हैं, और जब जब वो इस तरीके की बातें करेंगे, पूरा देश एक होगा, सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले और मजबूत होंगे, और साथ ही साथ अभी एक इंडिया गठबंधन बना है, जिस गठबंधन में जितने देश के भ्रष्टाचारी नेता हैं उसके साथ AIDMK का भी गठबंधन है। इसमें कांग्रेस पार्टी भी है, RJD भी है, और सभी दल हैं जो निरंतर सनातन धर्म का पुरजोर विरोध करते हुए आ रहे हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा सनातन धर्म के बारे में जो वक्तव्य दिया गया था, वो वक्तव्य भी ये था कि अगर मोदी सरकार रहती है तो सनातन धर्म इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, आप कांग्रेस को वोट दीजिए और ये सनातन धर्मियों को हटाइए। ये सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म ये है कि हम सभी धर्मों का, समाज का और मानव का, हम सभी का आदर भाव करते हैं, सम्मान करते हैं, और जिसकी भी जो पूजा पद्धति है उसका भी सम्मान करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा और टुच्चा हमारे सनातन संस्कृति के बारे में कुछ भी बोलकर चले जाएगा और हम सब सिर्फ टीका और गमछा लगाकर सिर्फ सनातन धर्मी नहीं बने हैं। हमने भी 500 वर्षों तक संघर्ष किया है, उसके बाद राम लला को हमने स्थापित किया है। तो आज पूरे देश में विरोध चल रहा है, उसी विरोध की कड़ी में श्री राम जन्मोत्सव समिति ने कुर्सी पार के श्री राम चौक पर अपना विरोध दर्ज कराया है। उदयनिधि, कांग्रेस पार्टी और ऐसे तमाम लोग जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, वो सनातन धर्म के विरोधी नहीं, इस देश के भी विरोधी हैं और इस राष्ट्र के भी विरोधी हैं।